हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी टाइगर 3। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अविनाश यानी टाइगर से, जिसे रॉकी नई चीफ मैथिली का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उनका एजेंट गोपी कई दिनों से लापता है। वो 2 सालों से तालिबानी पर नजर रख रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसका कोई भी अपडेट नहीं आया। इसलिए मैथिली चाहती है कि टाइगर गोपी को बचा ले। अब टाइगर भी इसके लिए मान जाता है और वो गोपी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि गोपी को बहुत ज्यादा पीटा गया था, लेकिन टाइगर वहां पर जाता है और वहां पर सबके साथ फाइट करके वो गोपी को बचा लेता है। जब वो गोपी को लेकर वापस आ रहा था तो गोपी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। गोपी टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान करने वाला है और उसे शक है कि कोई डबल एजेंट है जो पाकिस्तान की सब में मदद कर रहा था। अब गोपी का पूरा इशारा जोया की तरफ था। ये सुनकर टाइगर को काफी बुरा लगता है। तो वही गोपी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद टाइगर अपने घर वापस आता है तो उसके बेटे जूनियर की तबीयत खराब थी, लेकिन जोया उसे बताती है कि उसे नॉर्मल बुखार है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब टाइगर को बार बार गोपी की बातें याद आ रही थी, इसलिए टाइगर जोया के ऊपर नजर रखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी क्ल्यू नहीं मिलता। लेकिन बाद में वो देखता है कि जोया किसी से मिल रही थी और टाइगर को लगता है कि शायद ये ISI के लोग होंगे। जिसके बाद टाइगर को फिर से मैथिली का कॉल आता है, जो टाइगर को बताती है कि गोपी ने उन्हें जिब्रान के बारे में बताया था, जो पाकिस्तानी आर्मी को आर्म्स प्रोवाइड करता है। जिब्रान के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब गोपी पकड़ा गया तो जिब्रान भी पकड़ा गया, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग आया और अभी वो रशिया में है। मैथिली चाहती है कि टाइगर जिब्रान से मिले और उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए। अब टाइगर रशिया जाता है क्योंकि जिब्रान रशिया में था। वहां पर टाइगर देखता है तो जिब्रान को मारने के लिए पहले से वहां पर कई सारे लोग आ गए थे। अब टाइगर जिब्रान को उससे बचाता है, जिसके बाद वो जिब्रान को लेकर भाग रहा था। तभी जिब्रान के ऊपर कोई हमला करने आता है और टाइगर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जोया है। जोया को वहां देखकर टाइगर काफी शॉक था। अब टाइगर जोया को मार नहीं सकता था, इसलिए वो जिब्रान को एक दूसरे रॉ एजेंट के हवाले कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जब वो भाग रहा था तो जोया उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। एक्चुअली जोया ने अब तक टाइगर को नहीं पहचाना था, इसलिए वो टाइगर से फाइट करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये टाइगर है। टाइगर जोया से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि जोया कुछ बताती, टाइगर के ऊपर कोई हमला कर देता है और टाइगर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब टाइगर की आँख खुलती है तो टाइगर को एक चेन से बांधा गया था। उसके सामने एक स्क्रीन थी जिसके ऊपर वीडियो कॉल आता है। ये वीडियो कॉल आसित रहमान का था, जो एक ISI एजेंट है। टाइगर को लगता है कि जोया रहमान से मिली हुई है, क्योंकि जोया के पापा के मौत के बाद रहमान ने उसका ख्याल रखा था। जिसके बाद हमें जोया की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। एक्चुअली जोया के पापा भी एक ISI एजेंट थे। तभी पाकिस्तान में सरकार बदल गई और जब जोया के पापा उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी उनके कार में बॉम्ब लगाया गया था, जिसमें जोया के पापा की मौत हो गई थी। अब जोया के पापा के बाद वहां पर रहमान आ गया और उसी ने जोया का ख्याल रखा। रहमान भी ISI एजेंट था और उसी ने जोया को ट्रेन किया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर टाइगर जोया से पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तब रहमान बताता है कि उसके कहने पर ही जोया ने ये सब कुछ किया था और जोया को उसकी बात माननी ही पड़ती, क्योंकि रहमान के पास जूनियर था। एक्चुअली रहमान ने जूनियर को कुछ ऐसी दवाई दी थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब जूनियर को रोज एक इंजेक्शन लगाना था, नहीं तो जूनियर की मौत हो जाती। अब वो इंजेक्शन कौन सा है ये बस रहमान के डॉक्टर को पता था, इसलिए अगर जोया रहमान की बात नहीं मानती तो रहमान डॉक्टर को इंजेक्शन देने नहीं देता और जूनियर की मौत हो जाती। रहमान टाइगर से कहता है कि अब उसे भी उसकी बात माननी होगी, नहीं तो जूनियर की मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद रहमान टाइगर को बताता है कि उसे और जोया को मिलकर एक ब्रीफकेस चुराना होगा। अब टाइगर और जोया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाते हैं। टाइगर अपने रॉ के दोस्तों से कांटेक्ट करता है और उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है। टाइगर उन्हें पहले ही बता देता है कि ये कोई रॉ का मिशन नहीं है, ये उनका पर्सनल मिशन है, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें हाँ कहते हैं। जिसके बाद ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो ब्रीफकेस एक काफी सिक्योर लॉकर में रखा गया है और उसका पासवर्ड एक रशियन ऑफिसर की आंखें हैं, जिसे स्कैन करने के बाद ही वो लॉकर ओपन होगा। जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि जोया उस लड़की के पास जाएगी। उनके पास एक स्कैनर था जिससे जोया उस लड़की की आंखें स्कैन करेगी।
अब जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसे ही उनका काम शुरू हो जाता है। जोया उस लड़की के पास जाती है और उनके बीच में काफी फाइट होती है, जहाँ पर आखिरकार जोया उसकी आंखें स्कैन कर ही लेती है, जिसके बाद टाइगर को बस 16 मिनट में उस ब्रीफकेस को चुराना था। फिर भी टाइगर काफी चालाकी से उस ब्रीफकेस को चुरा लेता है। लेकिन जब वॉर्कर वहां से भाग रहे थे तभी उनके सामने आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और टाइगर समझ नहीं पाता कि इन्हें इन्फॉर्म किसने किया, जिसके बाद टाइगर उस ब्रीफकेस को करण को देता है और उसे कहता है कि ये जोया तक पहुंचा दे और टाइगर खुद सरेंडर कर लेता है। अब टाइगर ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था इसलिए उसे पाकिस्तान के जेल में डाला जाता है, जहां पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। अब करण जोया को ब्रीफकेस दे देता है, जिसके बाद जोया रहमान के पास जाती है। जोया सबसे पहले जूनियर को देखती है क्योंकि जूनियर को अब एंटीडोट दे दिया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, जिसके बाद जोया वो ब्रीफकेस रहमान को दे देती है, जिसके बाद रहमान जोया को बताता है कि उस ब्रीफकेस में पैल कोर्स है जिससे मिसाइल्स को ऑपरेट किया जाता है। अब ये सुनने के बाद जोया काफी शॉक थी क्योंकि रहमान के इरादे ठीक नहीं थे। एक्चुअली 12 साल पहले रहमान ISI का चीफ था, तब उसे पता चला कि इंडियन आर्मी ऑफिसर और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ऑस्ट्रिया में मिलने वाले हैं और वहां पर एक पीस ट्रीटी साइन की जाने वाली है, लेकिन रहमान नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो, इसलिए वो जोया से कहता है कि वो जाकर उस आर्मी ऑफिसर को मारे। लेकिन जोया उसे मना कर देती है क्योंकि इससे दोनों देश की हालत फिर से खराब हो जाते। ये सुनकर रहमान जोया पर गुस्सा होता है, लेकिन तभी वहां पर शाइनी उसकी बात मान लेती है। शाइनी रहमान से कहती है कि वो खुद जाएगी और उस आर्मी ऑफिसर को मारेगी। शाइनी रहमान की वाइफ थी और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो मिशन पर चली जाती है। तो वही जोया ने रॉ को इन्फॉर्म कर दिया था कि उनके आर्मी ऑफिसर की जान खतरे में है और ये बात टाइगर को पता चली थी और उसने आर्मी ऑफिसर को बचा लिया था। लेकिन आर्मी ऑफिसर को बचाते हुए उसने शाइनी को शूट कर दिया, जिसमें शाइनी की मौत हो गई थी। तभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता चला कि रहमान ने इंडियन आर्मी ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद रहमान को ISI से निकाला जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और अब रहमान उसी बात का बदला लेना चाहता था। वो जोया से कहता है कि जिस मुल्क के लिए उसने सब कुछ किया था उसी ने उसकी कदर नहीं की, इसलिए वो अब सबको सबक सिखाएगा। जोया रहमान से कहती है कि वो उसे एक्सपोज करके रहेगी, लेकिन रहमान उसे कहता है कि उसे सबसे पहले टाइगर को बचाना चाहिए, जिसके बाद जोया वहां से चली जाती है। तो वही हम टाइगर को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तभी वहां पर रहमान आता है। रहमान को देखकर टाइगर समझ जाता है कि रहमान ने ही ये सब कुछ किया था। एक्चुअली पाकिस्तानी मिलिट्री रहमान के साथ मिली हुई थी। एक्चुअली पाकिस्तान की जो अभी की PM थी वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दोस्त की तरह रहे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे इसलिए वो गवर्नमेंट बदलना चाहते थे। उनका प्लान था कि कुछ दिनों बाद जब PM का स्पीच था उसके पहले ही वो PM को मार देंगे। तो वही टाइगर काफी चालाकी से जेल में ब्लास्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। जैसे ही टाइगर भाग जाता है सभी लोग उसी को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि टाइगर ने सबसे पहले वो पाल कोर्ट चुराए थे और अब वो जेल से भाग गया था। अब टाइगर के पीछे पाकिस्तानी आर्मी पड़ गई थी। तभी टाइगर को बचाने पठान आता है, दोनों मिलकर सबसे फाइट करते हैं, जिसके बाद टाइगर हुसैन के पास जाता है जिसे वो पहले एक मिशन में मिला था। तब हुसैन छोटा था लेकिन अब वो एक हैकर बन गया था। टाइगर वहां से जोया को कॉन्टेक्ट करता है और जोया को रहमान के प्लान के बारे में बताता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन सभी को मिलकर काम करना होगा। तो वही जोया को ISI वालों ने भी ढूंढ लिया था और वो भी जोया की मदद करने के लिए तैयार थे। अब टाइगर को अपनी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तानी PM को बचाना था, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो PM तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन वो लोग कैटर बनकर PMO के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो PM से मिलते हैं और उसे सब कुछ बताने लगते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल और रहमान मिलकर उन्हें मारना चाहते हैं। पहले तो PM को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आर्मी जनरल उनके ऑफिस की तरफ ही आ रहे हैं और ये बात सुनने पर वो समझ जाती है कि जोया और टाइगर सच बोल रहे हैं, जिसके बाद जोया PM को लेकर एक बंकर में चली जाती है। तो वहां पर भी काफी सारे आर्मी ऑफिसर थे जिनके साथ जोया को लड़ना पड़ता है ताकि वो PM को सेफली बाहर पहुंचा सके। तभी वहां पर रहमान आता है और रहमान को मारने के लिए करण जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जावेद उसके साथ मिला हुआ था। जावेद ने ही रहमान को अब तक की सारी खबरें दी थी। अब जावेद की मदद से रहमान करण को ही मार देता है। जैसे ही टाइगर को करण की मौत का पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है।
तभी टाइगर सभी को मार देता है और आर्मी जनरल को भी पकड़ लेता है। वो उसे वार्न करता है कि वो बाहर जाकर मीडिया को बताए कि वो लोग क्या करने वाले थे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टाइगर उसे शूट कर देगा। आर्मी जनरल मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जा रहा था रहमान उसे शूट कर देता है। अब टाइगर को कुछ भी करके पहले रहमान को ख़त्म करना था, इसलिए वो घोड़ों की मदद लेता है जिनकी मदद से वो रहमान को पकड़ लेता है। आखिरकार यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाइगर और जोया को पहले से पता था कि जावेद रहमान के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने ये मिशन शुरू किया था तो सभी ने अपने मोबाइल्स दे दिए थे, लेकिन जावेद ही मोबाइल देने के लिए मना कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें जावेद पर शक हुआ और उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए और उन्हें पता चला कि जावेद रहमान के साथ मिला हुआ है। एक्चुअली जावेद शाइनी का भाई था। अब रहमान और टाइगर के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट होती है और टाइगर रहमान को बहुत ज़्यादा पीट देता है। तो वही जोया ने भी पीएम को सेफ जगह पहुंचा दिया था, जहां से पीएम सबको स्पीच देती है और सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि किस तरह रहमान ने टाइगर और जोया को फोर्स किया था कि वो पाल कोर्स चुरा सके। एक्चुअली ये पाल कोर्स वो कोर्स थे जिससे मिसाइल्स ऑपरेट होती है। पीएम कहती है कि वो यही चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान प्यार और मोहब्बत से रहे, लेकिन रहमान जैसे लोगों को ये बात हजम नहीं होती। वो रहमान की सारी सच्चाई लोगों को बता देती है और लोग समझ जाते हैं कि टाइगर गलत नहीं था। तो वही टाइगर ने अब रहमान को मार दिया था और पाकिस्तानी पीएम को भी बचा लिया था। अब टाइगर की टीम इंडिया वापस चली जाती है तो वही मैताली टाइगर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि जब अगली बार उन्हें मिशन के लिए टाइगर की ज़रूरत होगी तो क्या टाइगर आएगा, जिस पर टाइगर कहता है कि उन्हें जब भी उसकी ज़रूरत होगी वो ज़रूर आएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी टाइगर 3 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।